वेलकम बैक। आज ये देखेंगे, छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, व्हाई वी कांट स्टोर एसी इन बैटरी। मींस एसी हम बैटरी में क्यों नहीं स्टोर कर सकते। हमें पता है कि बैटरी में हमारे दो टर्मिनल्स होते हैं, तो चार्जिंग के टाइम भी हमें डीसी देना पड़ता है और डिस्चार्जिंग के टाइम भी हमें डीसी मिलता है, ठीक है। तो बैटरी इज बेसिकली डिवाइस विच इज़ नथिंग बट अ डीसी डिवाइस, ठीक है। डीसी देता है हमारा बैटरी। अब हम समझते हैं कि डीसी ही क्यों, एसी क्यों नहीं। क्यों? हमारा एसी तो जनरेशन हो रहा है, हमें एसी इतनी अवेलेबिलिटी एसी की इतनी अच्छी है, तो हम क्यों नहीं डायरेक्टली एसी दे करके इसको चार्ज या डिस्चार्ज, एसी इससे डिस्चार्जिंग में और चार्जिंग के टाइम पर इसको एसी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम समझते हैं। तो पहली चीज़ क्या होती है, बैटरी में ना हमारी वोल्टेज स्टोर होती है ना हमारी करंट स्टोर होती है। इट मीन्स पावर हमारी नहीं स्टोर होती है। तो आप सोचोगे कि बैटरी में क्या स्टोर होता है, तो बैटरी में हमारी स्टोर होती है एनर्जी। तो क्या बैटरी में हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है? तो नहीं, सारे पॉइंट्स गलत होते जा रहे हैं। मींस वोल्टेज भी नहीं स्टोर हो रहा है, करंट भी नहीं स्टोर हो रहा है, और एनर्जी स्टोर तो हो रही है पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं स्टोर हो रही है। तो क्या स्टोर हो रहा है? तो हो रही है हमारी केमिकल एनर्जी स्टोर, ठीक है। केमिकल एनर्जी हमारी स्टोर हो रही है। अब हम एक रिलेशन बना चुके हैं कि अच्छा केमिकल एनर्जी स्टोर हो रही है तो क्यों हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि इसके अंदर हमारे केमिकल्स होते हैं, ठीक। बेसिकली एसिड होता है, उसका रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन होता है, और ये जो दो हमारे टर्मिनल्स होते हैं, ये बेसिकली एक एनोड और एक कैथोड होता है। तो इससे हमारा चार्जिंग या डिस्चार्जिंग का फिनोमिनन यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन की वजह से होता है। तो अगर आप सपोज करके देखो कि डिस्चार्ज अगर आप कर रहे हो एक टाइम पर, तो आपका एक टर्मिनल से आपको किसी एक तरीके का ही चार्ज मिलेगा। इट मीन्स किसी एक टर्मिनल से ही चार्ज फ्लो हो रहा होगा एक डायरेक्शन में, दूसरे टर्मिनल से चार्ज एंटर हो रहा होगा, ये श्योर हूँ। अगर ये पॉजिटिव या ये नेगेटिव है, एक में हमारे जा रहा होगा और एक में आ रहा होगा, यही केस हो सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि एक टाइम पर इसी से जा रहा है और इसी से ही आ जाए। तो दो डिफरेंट चीज़ें, दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव देंगी, एक प्लस और एक माइनस का। दूसरा केस ये हमारा डिस्चार्जिंग का हो गया। अब हम चार्जिंग करते टाइम जब करते हैं, तो एसी हमको पता है कि 50 हर्ट्ज की एसी का मतलब हो गया ऐसी साइकिल 50 साइकिल्स एक सेकंड में हो रही है। इट मींस हर सेकंड 50 बार अप एंड 50 बार डाउन हो रहा है। मींस 50 बार पॉजिटिव और 50 बार नेगेटिव हो रहा है। अब क्या है कि जैसे ही हमने बैटरी को एसी से कनेक्ट किया, तो पॉजिटिव नेगेटिव ये 50 बार टर्मिनल्स आपस में चेंज होते रहेंगे। और बैटरी कोई हमारी मैकेनिकल डिवाइस तो है नहीं जिसके टर्मिनल्स अंदर से खुद ब खुद बदल जाएं। तो ये बैटरी के टर्मिनल जो हैं अभी चार्जिंग हो रही है, मींस पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा, वो चीज़ ना हो करके पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से 50 बार एक सेकंड में ही हो जाएगा। और ये टर्मिनल्स क्योंकि नहीं बदल पाएंगे, तो उससे हमको क्या मिलेगा? सपोज ये वोल्टेज की वेवफॉर्म रही और ये हमारी करंट की वेवफॉर्म रही, तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव। अब अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, तो इट मींस पावर मिलेगी। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहा है, तो ये पॉजिटिव हो गई, तो सपोज कीजिए कि 2 आया, और ये नेगेटिव हो गई तो -2 आया। इन दिस वे पावर विल गेट कैंसिल, ठीक है। तो इस तरीके से एनर्जी हमारी कोई भी स्टोर कर ही नहीं पाएगी बैटरी। एनर्जी हमारी पावर किसी तरीके की, एनर्जी किसी तरीके की स्टोर हो ही नहीं पाएगी उसमें। और एनर्जी का हमारा, जैसे कि हमारा पावर यहाँ पर ज़ीरो हो गया, तो यहाँ पर हमारी कोई भी एनर्जी नहीं स्टोर होगी और बैटरी हमारी एज इट इज़ रह जाएगी। तो ये बेसिक सा फंडा है क्यों हम एसी नहीं स्टोर कर सकते। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों के ही कंसेप्ट में हमने समझ लिया कि चार्जिंग के टाइम पर ये टर्मिनल्स आपस में इतनी जल्दी नहीं बदल पाएंगे 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे, जिससे कि इसमें चार्जिंग हो पाए। अगर हम टर्मिनल्स को बदल पाए किसी तरीके से, तो उस केस में ये चार्जिंग हो जाएगी। बट क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये कोई मैकेनिकल डिवाइस नहीं है, इस वजह से हम ये 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी इसके टर्मिनल के चेंज होने पर नहीं पा पाएंगे और ये बैटरी हमारी चार्ज नहीं हो पाएगी। और डिस्चार्जिंग के केस में क्योंकि ये डिफरेंट इलेक्ट्रोड हैं, हमारा एक एनोड और एक कैथोड है, इस वजह से हम डिस्चार्जिंग भी एट अ टाइम एक ही टाइप का चार्ज, एक ही टाइप का पोटेंशियल, या पॉजिटिव या नेगेटिव, या पॉजिटिव या नेगेटिव ही पा पाएंगे। और इस तरीके से हम बैटरी को डीसी डिवाइस ही बोलते हैं, एसी का इससे कोई भी संबंध नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। अगर कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।